हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नर्सिंग स्पॉट। माई सेल्फ मुकेश कलमा। टुडे डिस्कस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेटिक। ठीक है, आज कुछ साइकेटिक नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइकेटिक के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है अपना, आज डिस्कस करेंगे डिफाइन सिजोफेनिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइव स्टार क्वेश्चन। सिजोफेनिया हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हमेशा रिपीटेड होता है क्वेश्चन। सिजोफेनिया टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको सिजोफेनिया के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, उसके कितने टाइप्स होते हैं सिजोफेनिया के, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है, और मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है सिजोफेनिया का। ठीक है, इसके बाद में डिफाइन मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या है इसको डिफाइन करना है, मेंटल हेल्थ कोजेज क्या है मेंटल हेल्थ के, और प्रिंसिपल्स ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, मेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में आप अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बाद में डिफाइन साइकेट्रिक इमरजेंसी इनलेस टाइप। ठीक है, कि कौन कौन सी साइकेट्रिक इमरजेंसी है और उनके टाइप कितने हैं। ठीक है, कितने कितने प्रकार के साइकेट्रिक इमरजेंसीज है। ठीक है, तो डिफाइन करना है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है। ठीक है, इसके बाद में डिफाइन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। ठीक है, साइकोसिस क्या है होता है, ठीक है, क्या है साइकोसिस और न्यूरोसिस क्या है। इसके बाद में डिफाइन साइकोथेरेपी एंड टाइप्स। ठीक है, आपको डिफाइन करना है साइकोथेरेपी क्या होती है और कितने प्रकार के साइकोथेरेपी होती है। आपको साइकोथेरेपी सब याद कर देनी है, इसमें से वो शॉर्ट नोट्स के अंदर भी कोई सी भी साइकोथेरेपी के बारे में पूछ सकता है कि साइकोथेरेपी क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो आपको डिफाइन करना है साइकोथेरेपी और टाइप्स के बारे में। ठीक है, अपने नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में साइकेट्री नर्सिंग की ऑलरेडी क्लासेस वहाँ पे अपलोड की हुई है, बेस्ट क्लासेस है, तो आप वहाँ जाके साइकेट्री नर्सिंग की क्लासेस ले सकते हो और अपने इस साइकेट्री नर्सिंग के अंदर आप, ठीक है, पास हो सकते हो अच्छे से, अपने नंबर गेन कर सकते हो और टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के अंदर फर्स्ट आएगा ECT, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट ECT। ठीक है, कितने ECT कैसे यूज़ करते हैं इसका, ठीक है, ECT के बारे में क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, ECT कितने बार दे सकते हो, ECT के बारे में हमेशा शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वेरी फाइव स्टार क्वेश्चन ECT के बारे में अच्छे से रीड आउट करना। इसके बाद में डिलीरियम डिमेंशिया, डिलीरियम क्या है और डिमेंशिया दोनों के बीच में डिफरेंट पूछ सकता है या फिर अलग से भी पूछ सकता है कि डिलीरियम क्या होता है और डिमेंशिया क्या होता है। ठीक है, डिलीरियम डिमेंशिया के बारे में। फिर इसके बाद में है सुसाइड। ठीक है, सुसाइड क्या है, सुसाइड के बारे में, सुसाइड टेंडेंसी, ठीक है, ये भी साइकेटिक इमरजेंसी का एक टाइप है सुसाइड, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ सकता है कि सुसाइड क्या है। ठीक है, एंड इसके आगे है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में क्लासिफिकेशन लिखना है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन कौन सी है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में आपको पूरा डिस्कस करके जाना है, अच्छे से रीड आउट करके जाना है। इसके बाद में राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट। एक मेंटली इल पेशेंट का क्या राइट्स होते हैं, उसके क्या राइट्स है, राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट के। ठीक है, तो राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स। इसके बाद में OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। OCD क्या है, ठीक है, अच्छे से रीड आउट करके जाना। न्यूरोसिस का डिसऑर्डर एक प्रकार का, तो OCD क्या है, OCD के, ठीक है, क्या क्लासिकल सिम्टम्स है, क्या मैनेजमेंट है OCD को, आप इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के भी अंदर OCD के बारे में पूछ सकते हो। ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, फाइव स्टार क्वेश्चन का भी हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, इसके बाद में PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम या डिसऑर्डर बोल सकते हो। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, PTSD, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है। इसके बाद में ICD-10 क्लासिफिकेशन। ठीक है, ICD-10 का क्लासिफिकेशन पूरा याद कर लेना, ICD-10 का क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर रिपीट होता है और हमेशा 100% क्वेश्चन रिपीट होता है और इस बार भी आने में बहुत चांस है। ठीक है, ICD-10 के बारे में इसका पूरा क्लासिफिकेशन, पूरा का पूरा आपको क्लासिफिकेशन एकदम याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग के। ठीक है, साइकेट्रिक के। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को अपने साइकेट्रिक की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई है इसी चैनल पे नर्सिंग स्पोर्ट पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर साइकेट्रिक की क्लासेस वहाँ से आप कंटिन्यूस ले सकते हो। ठीक है, और ये वाला अपने को, आपको इसका पिक चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और ये सभी के सभी आप रेड आउट पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साइकेट्रिक के क्वेश्चंस।
थैंक यू सो मच।